नमस्कार दोस्तों, एसडी टेक्नो यूट्यूब चैनल का नया एक वीडियो के लिए आप लोग को स्वागतम है। और आज मैं आप लोग को दिखाने के लिए जाएगा ये बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग मेरा पीछे में देख रहा है, ये बिल्डिंग का स्लैब का कंक्रीट कैसे किया जाता है, कौन सा मशीन यूज करके इसका स्लैब का कंक्रीट किया जाता है, ये पूरा ए टू जेड आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेगा। और वीडियो ऑन तक देखते रखिए, आप लोग को वीडियो का जरिए पूरा बात समझाने के लिए कोशिश करेगा। ये है पुटमेजर कंपनी का एक बोम पम्प है, ये पम्प का जरिया ही स्लैब का कंक्रीट किया जाता है और दूसरा पम्प का भी यूज़ करता है, लेकिन मैं आज आप लोग को दिखाने के लिए जाएगा ये बोम पम्प का जरिया कैसे ये बिल्डिंग का स्लैब कंक्रीट करता है। देखिए ये जो बोम पम्प है, ये देखिए एक एक कल के अभी खुल रहा है, ये फोल्डिंग सिस्टम में गाड़ी में फिट करके रखता है और ये गाड़ी किधर भी ज़रूरत पड़ेगा कि उधर लेके जा सकता है। और देखिए पहले उसको ये गाड़ी को पहले स्टैंड करना पड़ता है, इसमें सार स्टैंड का जरिया ये स्टैंड होता है। स्टैंड होने के बाद इसका जो बम्प है पाइपलाइन है, पाइपलाइन ऐसा खुला जा रहा है और उसको खुलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट टाइम लगता है, ये पूरा खुल जाता है। और देखिए ये बम्प का सामने एक पाइपलाइन है जहाँ से कॉन्क्रीट पास होता है, ये देखिए, और लास्ट में एक रबर का पाइप लगाया जाता है जिधर से कंक्रीट आसानी से उधर उधर कर सकता है। तो पहले देखिए ये बोम पम्प अभी खुल रहा है और इसका जरिए कम से कम 3 फ्लोर 4 फ्लोर का भी स्लैब किया जा सकता है। ये बहुत हाई टॉप हो जाता है, कम से कम 100 फीट 200 फीट ऐसा इसको कैपेसिटी का हिसाब से ये खुलता है। और ये पहले ऐसा फिटिंग करके स्लैब का सामने खड़ा करके उसको फिटिंग किया जाता है। देखिए ऑलरेडी ये खड़ा हो गया, अभी इसमें कंक्रीट कैसे पास हो जाता है, ऊपर तक कैसे पहुंचता है, वो आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेगा। अभी देखिए ये गाड़ी जो देख रहा है, ये गाड़ी से कंक्रीट लेके आ रहा है और गाड़ी से कंक्रीट ये पंप में अनलोड होगा और पंप का थ्रू ये कंक्रीट को ऊपर लेके जाएगा। देखिए कितना हाइट दिखाई दे रहा है नीचे से, और मैं ऊपर कंक्रीट कैसे ऊपर में पहुँच रहा है वो भी दिखाने के लिए आप लोग को कोशिश करेगा। अभी देखिए पंप पूरा रेडी हो गया और गाड़ी से अभी पंप में कंक्रीट डाला जाएगा और उसके बाद ही ये बोम पम्प जो है ये चालू करके इसको कंक्रीट ऊपर तक पहुँचाया जाएगा। तो अभी देखिए मैं स्लैब का ऊपर आ गया, स्लैब का ऊपर देखिए इधर आधा कंक्रीट ऑलरेडी हो चुका है और आधा बाकी है। अभी देखिए ये पूरा जो कंक्रीट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये पंप का जरिया ही कर दिया। ये पंप को दूसरा साइड में भी शिफ्ट किया जा सकता है, अभी एक साइड का कंक्रीट जैसे हो गया, दूसरा साइड में फिर उसको शिफ्ट किया जाता है और ऐसा शिफ्ट करके फिर फिटिंग किया। फिटिंग करने के बाद अभी कंक्रीट पास कर रहा है। अभी देखिए इधर ये पाइपलाइन से जो बोम पम्प है, इसका पाइपलाइन से कंक्रीट आने लग रहा है और ऐसे ही ये बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। देखिए नीचे में नीचे दिखा रहा हूँ, इधर गाड़ी खड़ा है, गाड़ी का सामने ही बोम पम्प है, वो बोम पम्प से अभी कंक्रीट बाहर आ रहा है। तो अभी देखिए ये बहुत आसानी तरीका है, कोई भी इतना लेबर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा ही ज़्यादा मशीन में 2 आदमी का ज़रूरत पड़ता है और इधर जो थोड़ा लेवल करने के लिए 4-5 आदमी का ज़रूरत पड़ता है, तो मेन पावर बहुत कम लगता है। ये बहुत आसानी तरीका है, इसलिए देखिए अभी एक कितना अच्छा से कंक्रीट आ रहा है। देखिए कंक्रीट आराम से आ रहा है और एक आदमी से पाइप को पकड़ के उधर उधर कर रहा है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत आसानी तरीका से मशीन का जरिए कंक्रीट किया जाता है, ये आजकल ज़्यादा चल रहा है। और इसको कंट्रोल करने का ये रिमोट है, ये रिमोट से ही जो पंप का ऑपरेटर रहता है, बोम पंप का जो गाड़ी चलाता है, वही आदमी वो रिमोट से ही कंट्रोल करके ये कंक्रीट को उधर उधर, जैसे कि कौन सा जगह में सही है, इधर उधर उसको शिफ्ट किया जाता है। तो देखिए ये पंप कितना हाइट में आ रहा है, देखिए ये तो पहला स्लैब डाल रहा है, ऐसे भी इसको 2-3 स्लैब डाल सकता है इसका पंप का जरिए। देखिए ये जो स्ट्रक्चरल है, ये भी पूरा लोहा का है, लोहा का स्ट्रक्चरल किया है इसमें और इधर कोई भी लकड़ी ऐसा यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लोहा का यूज़ करके ये पूरा स्लैब का कंक्रीट कर रहा है और ये बहुत मजबूती होता है, तो इसमें डरने का कोई चांस नहीं होता, न तो स्लैब का भी कुछ क्रैक आने का चांस नहीं रहता है, इसलिए ऐसा यूज़ किया जाता है। और ये देखिए ये सब पूरा कंक्रीट का काम ऑलरेडी हो गया और बाकी इसमें देखिए कुछ लकड़ी यूज़ करता है, जैसे कि प्लास्टर करने के लिए, लेकिन बाकी जो स्लैब का जो कंक्रीट रहता है, स्लैब का कंक्रीट करने के लिए
ज़्यादा ही ज़्यादा ये लोहा का यूज़ किया जाता है, इसमें बहुत अच्छा होता है और काम भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं वही बम काम का थोड़ी कैसे ये कंक्रीट किया जाता है, स्लैब का कंक्रीट कैसे आसानी प्रक्रिया से किया जाता है उसको दिखाने के लिए आप लोग को कोशिश किया। और एक बात है, आप लोग अभी नया मेरा चैनल में आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बेसिंग प्लान रिलेटेड और ऐसा कंस्ट्रक्शन लाइन का रिलेटेड न तो कोई भी टेक्निकल वीडियो में आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए और कमेंट करिए, अगर कुछ आप लोग का पूछने का भी है तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, इसका सही जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। और आज का वीडियो इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।